अभी हम देख रहे हैं सिप्ला का चार्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे की साइड रिजेक्शन दिया था, फिर यहाँ से स्लो एंड स्टडी यहाँ से आके ये बहुत सारा टाइम मार्केट सर्विस बिताने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिया था, लेकिन वो फेल होके अगेन मार्केट नीचे आ गया था। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा था, अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन साइड आके रेंज में घुस के अगेन ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करके भी एक रिजेक्शन मिला इसको। तो मार्केट अगर कल इस रेंज के नीचे ही रहता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम लोग को डाउन साइड फॉल दिखने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर साइड एक बार ट्राई कर चुका है और फेल हो चुका है, तो हम लोग नीचे साइड उम्मीद कर रहे हैं इसका मोमेंटम होने की। अदरवाइज ये अगेन रेंज में घुस के अपसाइड ब्रेकआउट दे के जा सकता है, लेकिन जब तक ये रेंज के बाहर नहीं जाता है तब तक ये डाउन साइड मूवमेंट का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है यहाँ पे, क्योंकि एक बार टेस्ट होके फेल कर चुका है।